नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम केरला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं। केरला की जो कैपिटल का नाम है केरला की, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, केरला के थोड़े नाम जो हैं वो थोड़े से टफ़ हैं, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो देखते हैं केरला की कैपिटल का क्या नाम है। केरला की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम, और इस समय जो केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है मलयालम। और उसके बाद इस समय जो मुख्यमंत्री हैं केरला के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पिनराई विजयन। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इस समय जो गवर्नर हैं केरला के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और इस समय जो लोकसभा की सीटें हैं केरला में वो हैं 33, राज्यसभा की सीटें हैं 9 और विधानसभा की सीटें हैं 140। और इस समय केरला में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, केरला में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 14। केरला की स्थापना कब हुई थी, केरला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और अगर देखा जाए केरला की लार्जेस्ट सिटी कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा केरला की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है त्रिवेंद्रम, उसके बाद है कोच्ची, कोच्ची के बाद है कोझिकोड़े, उसके बाद है कोल्लम, कोल्लम के बाद है त्रिशूर। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है पलक्कड़। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला देखा जाए तो उसका नाम क्या है, अलापुजा उसका नाम है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला देखा जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मल्लापुरम। और अगर स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है वायानाड। ठीक है, चारों डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो गया। इस समय अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है 18। और इस समय नेशनल पार्क कितने हैं केरला में, नेशनल पार्क की संख्या है 5। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं याद रखिएगा, इरा वैकुलम नेशनल पार्क, दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तीसरे का नाम है पंपादुम सोला नेशनल पार्क, उसके बाद चौथे का नाम है मथी केतन सोला नेशनल पार्क, और पाँचवें का नाम है अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क। तो इसमें से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है साइलेंट वैली और एक है अन्नामुड़ी, ये दोनों याद रखिएगा, बाकी भी याद कर सकते हैं लेकिन ये दोनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, तो टाइगर रिजर्व दो हैं यहाँ पर, दो टाइगर रिजर्व कौन कौन से है, पहला है पेरियार टाइगर रिजर्व, दूसरा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। और इसमें से पेरियार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पेरियार नाम आप याद रखोगे ना, तो पेरियार नाम से एक डैम भी है, पेरियार नाम से एक रिवर भी है, और पेरियार नाम से टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा। तो जहाँ पे पेरियार नाम आए वहाँ पे आप केरला लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट रिवर है ये, पहला है पेरियार रिवर, दूसरा है रिवर नीला, तीसरा है चलियार रिवर, चौथा है चालाकुड़ी रिवर, पाँचवा है पंबा रिवर, पंबा के बाद है मनीमाला रिवर, उसके बाद है भराता पुहा रिवर, उसके बाद है काबिनी रिवर। तो इसमें से पेरियार रिवर इंपॉर्टेंट है ही, पेरियार के बाद है पंबा रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चलियार रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट डैम की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन सी हैं, और दो के दोनों डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार बहुत बार पूछा गया ये एग्ज़ाम में। तो पहले डैम का नाम क्या है, पहले डैम का नाम है मुल्ला पेरियार डैम, और दूसरे डैम का नाम है इडुक्की डैम। और इडुक्की डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, इडुक्की को याद रखिएगा हमेशा, मुल्ला पुरियार भी पेरियार भी याद रखिएगा। अगर वाटरफॉल इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कौन कौन सी है, मीन मुत्ती फॉल्स है पहला, दूसरा है सोचीपारा फॉल्स, तीसरा है पल्लारुवी फॉल्स। अगर फेमस टेंपल देखा जाए तो दोनों फेमस टेंपल हैं याद रखिएगा, सबरीमाला टेंपल, सबरीमाला आपको पता है न्यूज़ में काफ़ी बार रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये जुडिशरी में जजमेंट का था कि यहाँ पे जो लेडीज़ें हैं वो पूजा के लिए नहीं जा सकती, तो ऐसा कुछ था, वो जुडिशरी काफ़ी फेमस हुआ था ये, तो आप याद रखिएगा सबरीमाला टेंपल कहाँ पर है, ये केरला में है। और दूसरा है श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल, ये टेंपल इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि ये कहा जाता था कि ये पूरे भारतवर्ष का सबसे अमीर टेंपल है, मतलब पैसा यहाँ पर बहुत है, ठीक है, सोने के आभूषण बहुत चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पैसा बहुत है, इसलिए ये बहुत फेमस है उस मामले में। अगर पैलेस में देखा जाए तो कौन कौन से पैलेस हैं, पहले पैलेस का नाम है काउडियार पैलेस है, जो कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम में है। दूसरा है बोलघाटी पैलेस, ये कोची में है। तीसरा है सक्थन थम्पुरन पैलेस, ये कहाँ पर है, ये त्रिशूर में है। अगर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म पहला है चकियार कुथू डांस फॉर्म है, दूसरा है कथकली, तो कथकली को याद रखिएगा, कथकली यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। दूसरा है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ,
कि किसी भी डांस फॉर्म के नाम के आगे अगर अट्टम लगा हुआ है, अगर किसी भी डांस फॉर्म के आगे अगर अट्टम लगा हुआ है तो आप तुरंत वहाँ पर केरला आप टिक मार दीजिएगा। अब देख लीजिए क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए पहला ये कथकली तो फेमस है ही, दूसरा मोनी अट्टम, चौथा है ओट्टम थुअल, फिर है चवुथु नटाकम, फिर उसके बाद है कई कोती कलाई, फिर है कोडियत्तम, फिर कृष्णावत्तम, फिर मुदियेतु, फिर है मुदियेतु दो बार हो गया, फिर उसके बाद है तप्पा त्रिकई, और फिर उसके बाद नाम है थेम। तो मोहनी अट्टम ये जो है इसका ये फेमस है, उसके बाद कथकली इसका फेमस है, दो डांस फॉर्म इसके इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब अगर डिस्ट्रिक्ट मैप में आए तो ये देखिए, अगर पूरे इंडिया के मैप में देखोगे तो बिल्कुल साउथ में मालाबार कोस्ट से लगा हुआ केरला डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। अब इसके सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है कसारागोड, उसके बाद है कन्नूर। देखो कन्नूर और कुन्नूर में अंतर है, नहीं सॉरी, एक है कुन्नूर और एक है गुंटूर, तो दोनों में अंतर, जो गुंटूर है वो है आंध्र प्रदेश में और जो कन्नूर है वो है केरला में। तो पहला हो गया कसारागोड, फिर उसके बाद है कन्नूर, कन्नूर के बाद है वायानाड, वायानाड के बाद है कोझीकोड़े, कोझीकोड़े के बाद आपका आ गया ये मल्लापुरम, मल्लापुरम के बाद है पलाक्कड़, पलाक्कड़ के बाद है त्रिशूर, त्रिशूर के बाद है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम के बाद इदुक्की, इदुक्की के ऊपर वो डैम बना हुआ है, कौन सा, इदुक्की डैम बना हुआ है, तो ये फेमस है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया कोट्टायम, हो गया कोट्टायम के बाद अलप्पुझा, फिर उसके बाद है पथानमथिट्टा, जो भी नाम हो आप देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है सॉरी, फिर उसके बाद है कोल्लम, कोल्लम के बाद है थिरुवनंतपुरम, ठीक है, थिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल का भी नाम है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है, आप आइए देख लेते हैं। तो पहली डिस्ट्रिक्ट से ये कौन, ये पहली डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका और दूसरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है, दो डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है। अब एक ये भी देख लेते हैं कि कितने जो भी ज़िले हैं उनसे कितने कितने ज़िले लगते हैं दूसरे राज्य से, तो कर्नाटका से कितने ज़िले लग रहे हैं, एक दो तीन, तो कर्नाटका से कितने ज़िले लग रहे हैं, कर्नाटका से तीन ज़िले लग रहे हैं। अगर तमिलनाडु से देखा जाए तो बाकी सब तमिलनाडु से ही लग रहे हैं, अगर तीन ज़िले इससे लग रहे हैं तो बाकी सब हो सकता है, देखते हैं, काउंट करते हैं, एक दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तमिलनाडु से कितने ज़िले लगते हैं, तमिलनाडु से आठ ज़िले लगते हैं, कर्नाटका से हो गया तीन, तमिलनाडु से आठ। और इसके जो अगर पश्चिमी घाट पे देखेंगे तो ये पुडुचेरी की एक ये माहे है, और उसके बाद अगर पश्चिमी साइड में देखेंगे तो अरेबियन सी पड़ेगा, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आते हैं इसके फिजिकल मैप के ऊपर, फिजिकल मैप में ध्यान से देखिएगा आप क्या क्या है फिजिकल मैप में। मैंने बताया था कि पश्चिमी तट पर जो भी कोस्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट के बाद ये माहे बता दिया गया है, लक्षद्वीप सी है इधर, इधर इसका नाम क्या है, इसका नाम है पयासवानी, फिर उसके बाद नाम है कुप्पम, कुप्पम के बाद है पेरिया घाट, ठीक है, इसका नाम क्या है, पेरिया घाट, और इसे ये वेस्टर्न घाट की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इधर नाम क्या है, इधर जैसे इसका नाम मालाबार कोस्ट है उसके ऊपर नाम क्या दिया गया है, मालाबार अपलैंड्स। उसके बाद इधर कौन सा हिल्स है, इधर है कुंदा हिल्स, और ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये कौन सा है, ये वेस्टर्न घाट के हिस्से में पूरा आता है, ये पालघाट हिल्स है, पालघाट हिल्स के बाद ये अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी के बाद ये पलिनी हिल्स है, पलिनी हिल्स के बाद मैंने बताया था देखिए पेरियार का नाम जहाँ पे भी आए आप केरला मार दीजिएगा, ये पेरियार लेक भी आ गई, पेरियार नदी भी आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद काकी रिजर्वायर है, काकी रिजर्वायर के बाद मेकाराई पास है, फिर मेकाराई पास के बाद अरैन कुवू पास है, फिर उसके बाद ये सदर्न घाट आता है, पेरियार प्लेटू, देखिए फिर से एक आ गया पेरियार, तो जहाँ पे भी पेरियार देखो आप तुरंत वहाँ पे केरला मार देना, ठीक है। तो ये हो गया इधर की तरफ, फिर एक और मैप इसमें मैंने इंक्लूड किया है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से दे रखा है, आपको नाम क्लियर हो रहे होंगे, तो सबके नाम देख लीजिए क्या क्या है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कसारागोड, फिर है कन्नूर, फिर वायानाड, इधर है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के बाद कैमल हम्प माउंटेन,
ठीक है। उसके बाद नीलगिरी है, नीलगिरी भी पूछा जा सकता है किसके बॉर्डर पे है, तो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। फिर इसका नाम क्या है, पलक्कड़ हिल्स है। फिर कोझिकोड़े एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था, मल्लापुरम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था, पलक्कड़ है, पलक्कड़ के बाद थ्रिशूर है, थ्रिशूर के बाद ये देखिए इडुक्की दे रखा है, इडुक्की के बाद ये दे रखा है कन्नान देवेन हिल्स, उसके बाद है कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स के बाद है कोट्टायम, कोट्टायम के बाद है कोल्लम, कोल्लम के बाद है तिरुवनंतपुरम, इधर है पंडालम हिल्स, पंडालम हिल्स के बाद अशाम्बू हिल्स। तो ये सारे नाम आपको बता दिए गए हैं। तो जैसी भी ये सीरीज़ लग रही है बताइएगा कैसी लग रही है आपको सीरीज, और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ मतलब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों से भी लाइक और शेयर करवाइए। धन्यवाद।